तो 1005 प्रिंटर की कार्टेज कैसे रिफिल की जाती है, आज मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहले ये बटन दबाया, फिर ये खोला, अभी हमको ये कार्टेज निकाल। अब ये लिया पेज कस, यहाँ होता है पेज, ये अब इसको मैं खोल देता हूँ। ये खोल दे, इसको ऐसे निकाल दिया। अब ये इसको खोलने के लिए ये पहले निकालेंगे, अब ये ड्रम ऐसे निकाल दिया, ये निकाल दिया ड्रम। एक होती है इसे, इधर होते हैं लोग, इधर लोग होते हैं और इधर लोग होते हैं। अब इस लोग को निकालने के लिए अंदर एक पीसीआर होती है, उसको निकालेंगे। ये निकाल, इसको बोलते हैं पीसीआर। हाँ, इसको पीसीआर बोलते हैं। और अब हमें इसको इसके लोक निकाल रहे हैं, ये आ गए इधर लोक, देखो ये लोक आ गए इधर, ये कार्टेज के इधर लोक आ गए। अब दूसरे लोक को और खोलते हैं। इसको निकालने के लिए एक पैनी चीज ली जाती है, आगे से नुकीली की जाती है, और इससे जो लोक है वो आसानी से निकल जाते हैं। अब यहाँ नोच प्लस देखिए, इसको निकाल, ये लोग बाहर में आ गया, इसको हम इससे खींच लेंगे नोज प्लास से, ये निकल गया। अब ये इसको ऐसे करें दोनों बाहर, ये आ, इसमें इंक डाली जाती है, इंक ये होती है, ये होती है मैग्नेट। और अभी इसको रिफिल के लिए ये इधर इधर गेयर होता है, गेयर की तरफ नहीं खोलना, इधर खोलना है, तो ये रहा, यहाँ ये पेच होते हैं। अब ये मैं ऐसे खोल दी, ये इधर से कार्टेज खोल दी। और अब इसको रिफिल करने के लिए इधर होते हैं इसका, ये इसको रिफिल करने के लिए ये इधर सुराग होता है, ये लॉक होते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। और ये होती है मैग्नेट, ये इसको बोलते हैं मैग्नेट। और ये होते हैं गेयर और ये होते हैं बुश ऐसे। अब इसको हम मैग्नेट को अब इस कोई भी कपड़ा से साफ कर दें, ये साफ कर दी कपड़े से ऐसे, ये कर दी साफ, ये साफ कर दी। अब साफ करने के बाद इसको बोलते हैं बुश, ये हमें ये बुश इधर डाल दिया, अब ये लगा दिया गेयर इधर, ये बुश होती है ऐसे, ये बुश ये डाल दिया। अब हम इसको, अब ये कार्टेज होती है, पहले हम इसको साफ करेंगे, ये देखो। अब इसको ये कपड़े से ऐसे साफ कर दिया, ये कर दिया। ये साफ कर दिया। वो इसको इंक डालने के लिए होती है मैग्नेट, ये मैग्नेट ऐसे उसकी, ये मैग्नेट और ये डाल दिया। अब इसको ऐसे ये मैग्नेट ये वापस डाल दी इधर, ये होता है इसका लोक, ये लोग पहले इसको करते हैं हम सीधे। और अब ये है टोनर, पहले इस टोनर को रिफिल करने से पहले इसको हिलाते हैं, ये अब ये कुप्पी ये डब्बी हटा दी है, और इसको हम, ये होती है कुप्पी, ये ऐसे ये, अब इसको ये कुप्पी इसमें लगा दी और ऐसे करके इसको ये ऐसे ही डाल दी। अरे आपके पास अगर कुप्पी नहीं है तो पेपर लेना है, एक वैसे पेपर को गोल बना के और इसमें ऐसे लगा के और इसमें इंक डाल, ये हो गई इंक डल गई। अब इसको हम वापस ऐसे पैक कर देते हैं, और ये जो है इसका ये लगा, ये हो गई कार्टेज, ये यहाँ इधर स्क्रू लगा। ये होता है डस्ट पोर्शन, इस डस्ट पोर्शन को पहले हम जैसे हमने रिफिल किया, अब इसको हम करते हैं साफ। ये होती है वाइपर ब्लेड, इसको पहले हम साफ करते हैं, यहाँ पेच होते हैं इधर, ये पेच खोल दिया, एक पेच यहाँ होता है,
जो भी जो खराब इंक होती है, जो बोलते हैं हम डस्ट, वो इधर आ जाती है इस पोर्शन में, और डस्ट इस पोर्शन में आ जाती है जैसे हम रिफिल करते हैं। पहले इसको हम करेंगे साफ, अगर इसको साफ नहीं करेंगे तो ये ड्रम को खराब कर देगी। अब ये हमें साफ कर दी, और ये होती है वाइपर ब्लेड, इसको हम पहले कपड़े से साफ करेंगे। ये कपड़े से साफ कर लेंगे, फिर उसको वापिस ऐसे ही लगा। ये वापिस ये पेच ऐसे ही वापिस लगा, ये पेच यहां से लगा दी इधर। अब इसका ये जो ढक्कन होता है इसको यहाँ इधर लगाते हैं, ये इधर ऐसे लगा दिया, और इधर ये ऐसे, ये इसकी स्प्रिंग होती है, ये इधर है, ये स्प्रिंग ऐसे लगा के इधर ये करती है, ये इसको बोलते हैं पीसीआर। अब इसको हम साफ करते हैं कपड़ों से, ये ऐसे कपड़े से साफ करके इसको हम ऐसे ये लगा, ये ड्रम होता है इसका, ये कपड़े से साफ करके ये ड्रम इसको ऐसे। अब इसको ये रिफिल होगा, इसको हम दोनों कार्टेज को जो इधर गियर होते हैं और ये इधर गियर, इस गियर को इधर ऐसे मिलाओ, और ये कार्टेज हो गई वापिस। यहाँ इधर जो वे लॉक निकाले थे ऐसे ये लॉक ये लगा दिए, ये लगा दिए इधर लॉक। अब ये जो इसका ये ढक्कन होता है ऐसे, ये ढक्कन बंद कर दिया, और हमारी अब ये कार्टेज हो गई, और हमारे चैनल को ये कार्टेज चल रही है। अब ये कार्टेज हमको कर दी, इसको हम अब चेक करके दिखाते हैं आपको। ये प्रिंटर है, इसको ऐसे लगाएंगे, ये इसका ढक्कन है ऐसे, ये चेंज करें। अब इसको हम से चेक करते हैं, जैसे लगा दिया। अब इसका प्रिंट आउट देखना कैसे आएगा इसका, ये देखो इसका ये प्रिंट आउट आएगा, ठीक है।